नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। एक और रिक्रूटमेंट नोटिस को लेके जिसमें हम बताने वाले हैं कि कहाँ पे न्यू स्पोर्ट्स टीचर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। उससे पहले वीडियो शुरू करूँ, बता दूँ कि भाई ज़्यादातर जो भी नोटिफिकेशन एट प्रेजेंट टाइम आ रही हैं, एक सरकारी डिपार्टमेंट्स में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये भी जो है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की वैकेंसीज हैं, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कहाँ पर ये वैकेंसीज आई हैं। उससे पहले बता दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स की कोई भी अपडेट मिस नहीं होती है। तो अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है कंटेनमेंट बोर्ड इलाहाबाद की तरफ से, यूपी की तरफ से आ रही है। भाई बहुत सारे साथी, कई बार छत्तीसगढ़ी वैकेंसीज आती हैं तो यूपी वाले पूछते हैं कि यूपी की वैकेंसीज आएंगी नहीं, इस बार आपको यूपी में चांस मिला है। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, सारी जानकारी आपको एक एक करके मैं देने वाला हूँ। तो 2021-22 के लिए वैकेंसी आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो डिटेल्स दी गई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताई गई है एक एक वैकेंसी के। हिंदी टीचर आप देख सकते हो, साइंस टीचर, सोशल साइंस, मैथ टीचर, संस्कृत, इंग्लिश, आर्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, जनरल टीचर और स्पोर्ट्स टीचर। और नंबर ऑफ पोस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, पोस्ट देख सकते हो, हिंदी की 4 हैं, साइंस की 4 हैं, सॉरी 5 हैं, सोशल साइंस की 5 हैं, मैथ टीचर की 6 हैं, संस्कृत की 2 हैं, इंग्लिश टीचर की 4 हैं, आर्ट टीचर की 3 हैं, कंप्यूटर टीचर की 3 हैं, जनरल टीचर की 3 हैं और स्पोर्ट्स टीचर, खास करके इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, 2 वैकेंसीज आपकी हैं। इसके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। अगर आप स्पोर्ट्स टीचर की बात करोगे तो BPED आपके पास, MPED हो। और फॉर्म जो है कब अप्लाई कर सकते हो, आप कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो जानकारी यहां पे दी गई है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई बाय 21/6/2021 टिल 5 बजे तक। कैंडिडेट कैन सेंड एप्लीकेशन रिटन ऑन प्लेन पेपर विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय ईमेल ओनली टू। ये ईमेल पे आपको जो है रिटन में एप्लीकेशन भेजनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इस ईमेल के ऊपर जो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भेजने हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन पोस्ट आपको लिखनी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट शैल बी पब्लिश्ड ऑन 25/6/2021। द ला डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट शैल बी नोटिफाइड लेटर। मतलब आपको 21/6/2021 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन आपको लिखनी है, पोस्ट उसमें नोटिफाई कर देनी किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। 25/6/2021 को जो है एक लिस्ट आप आएगी, उसमें बता दिया जाएगा कौन कौन जो रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। रिटन टेस्ट जो है 100 नंबर का लिया जाएगा, जिसमें एप्टीट्यूड और जनरल स्टडी बेस्ड होगा। ऑल द रिक्रूटमेंट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ओनली फॉर अकेडमिक ईयर 2021-22। एनी कैंडिडेट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द प्रोसेस बाई एनी मीन्स शैल बी डिसक्वालिफाइड। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, ये पहले भी आया था नोटिस, तो द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड आर रिक्वायर्ड टू री अप्लाई, दोबारा उनको अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द कंटेनमेंट बोर्ड वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट टू सी द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट डेट टाइम प्लेस रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट फाइनल सिलेक्शन काइंडली विजिट आवर वेबसाइट। आपको इसके ऊपर लगातार विजिट करते रहना है। तो इलाहाबाद की तरफ से वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसीज हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स की कोई भी अपडेट हम मिस नहीं होने देते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।